योगी आदित्यनाथ जी से 20 साल बड़े होने के बावजूद भी सुपरस्टार रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ जी के पैर क्यों छुए? फिल्म के प्रमोशन के लिए या फिर इसका कारण कुछ और है? आइए जानते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि अगर दो सन्यासी एक दूसरे से मिल रहे हों और उनमें से पहले सन्यासी की उम्र 20 साल हो और उसने 8 चतुर्मास सन्यास की दीक्षा ली हो और दूसरे की उम्र 60 साल हो लेकिन उसने 3 चतुर्मास दीक्षा ही ली हो, तो इस केस में 20 साल वाला सन्यासी 60 साल वाले सन्यासी से बड़ा माना जाता है और वो उम्र से बड़ा सन्यासी अपनी उम्र से छोटे सन्यासी के पांव छू सकता है। और यही किया रजनीकांत ने। उनके अनुसार योगी जी एक सन्यासी हैं, भले ही वो रजनीकांत से 20 साल छोटे हैं, लेकिन एक सन्यासी के आगे हर किसी को झुकना चाहिए, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। और यही कारण है कि रजनीकांत जी ने योगी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिए थे। गाइस, आपके हिसाब से रजनीकांत जी का यह आचरण उपयुक्त था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हमारे भारत के चंद्र विजय के बाद दुनिया के कई बड़े दिग्गजों के बधाइयों का तांता लग गया है। चलिए जानते हैं इन दिग्गजों ने क्या क्या कहा। सबसे पहले हमारे मित्र देश रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिखा, स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस सफर में भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नासा ने लिखा, हमें बहुत खुशी है इस मिशन में आपका पार्टनर बनने की। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नासा हमें इस मिशन में अपने डीप वेब नेटवर्क से चंद्रयान से संपर्क बनाने में मदद करेगा। गूगल के सीईओ पिचाई ने लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत को पहला देश बनने के लिए बधाई। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बधाई देते हुए कहा कि हम इसरो के आदित्य एल1 मिशन के लिए सपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब के शाह मोहम्मद बिन जायेद ने लिखा, ये सफलता भारत के विकास को दर्शाती है। और फिर दुबई के राजा शेख मोहम्मद ने लिखा कि भारत ऐसे ही और इतिहास रचता जाए, हम यही शुभकामनाएं देते हैं। गाइस, अब आप बधाई में क्या लिखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंचने में पहले 7 महीने का समय लगता था, लेकिन नासा का ये दावा है कि अब 45 दिनों में ही मंगल ग्रह पर पहुंचा जा सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस लाल ग्रह ने सबको अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच करोड़ों किलोमीटर की दूरी के चलते मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगता था, लेकिन अब नासा के इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के तहत नासा बायो मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रॉकेट में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे परमाणु रिएक्टर लिक्विड हाइड्रोजन को गर्म कर देगा और इससे आयनाइज्ड हाइड्रोजन यानी कि प्लाज्मा बनेगा, जो रॉकेट की रफ्तार बढ़ाने में मदद करता है। और इसी तेज रफ्तार से मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी 7 महीने की बजाय 45 दिनों में ही तय कर ली जाएगी। गाइस, आप कितने एक्साइटेड हैं इस चीज को सुनकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री बना लिया जो हमेशा उनकी निंदा किया करता था। अब लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, इतना बड़ा पद देने का क्या लाभ? तो अब्राहम लिंकन ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सक्षम है, उसमें प्रशासनिक क्षमताएं हैं और वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मैं मानता हूं कि उसने मेरी बहुत जगह पे आलोचनाएं की हैं, लेकिन देश के विकास के लिए मुझे उसकी जरूरत है और मैं ऐसे व्यक्ति को खो नहीं सकता। गाइस, जो अपने हित से ज्यादा देश के हित को तवज्जो देता हो, लीडर वही है।